Assalamualaikum prep class. Hope all of you are fine and doing your work. Okay prep class, I'm Sobhya is here and today we are going to do our page number 76. As you know, we have completed our translation into English and our today's topic is singular and plural. Okay, I told you in the class that what is singular and what is plural. Singular mean one thing and plural mean two are more than two things. Okay, जब कोई चीज़ एक होती है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, और जब कोई एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उनको हम प्लूरल बोलते हैं. लाइक इफ़ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल फ्राम आवर बॉडी एंड आवर नोज़ इज़ अ सिंगुलर एंड आवर आइज़ आर प्लूरल. ओके, इन द सेम वे आवर हैंड्स आर प्लूरल, आवर फिंगर्स आर प्लूरल, लाइक दिस. अगर आपके पास एक एप्पल है डैट विल बी सिंगुलर, एंड इफ़ यू हैव टू आर मोर देन टू एप्पल्स दैन दोज विल बी प्लूरल्स. ओके प्रेप क्लास, और सिंगुलर एंड प्लूरल्स बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम सिंगल वर्ड के साथ जब एस लगा देंगे देन इट विल बिकम अ प्लूरल. लाइक यू कैन सी आवर टूडेज वर्क, हेयर इज़ अ बॉय एंड दे हैव एड एस विद बॉय एंड इट हैज़ बिकम बॉयज एंड इट इज़ अ प्लूरल नाउ. नो, हेयर इज़ मोर दैन वन बॉय. अब एक से ज़्यादा बॉयज हैं तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया. सो सिंगुलर इज़ बॉय एंड प्लूरल्स आर बॉयज. ओके, इन द सेम वे द नेक्स्ट वन इज़ म एट मैट. इट्स अ सिंगुलर एंड म एट मैट्स, दीज आर प्लूरल. र अ फ्रॉग, इट इज़ सिंगुलर. र अ फ्रॉग्स, these are plurals. Duck, duck. Okay, duck, duck. Duck, ducks. So these are plurals. In the same way, jug, jug. It's a singular. Okay, and then jug, jugs. So these will be plural. Hope all of you have understood that what is singular. One thing is called singular and two and more than two things are called plurals. So you have to write this work in a neat and clean way. You have to focus on the formation of Y, G and K भी आपने अच्छे से लिखना है. थ्री लाइन्स पे नहीं लिखना है, इट्स अ स्मॉल K. और लाइन के बिल्कुल साथ ऐसे ही लिखना है. और अगर सेंटर में लिख रहे हैं तो वर्ड के नीचे दूसरा वर्ड होना चाहिए, दूसरे वर्ड के नीचे तीसरा वर्ड होना चाहिए. जिगजैग स्टाइल में आपने बिल्कुल नहीं लिखना. ओके, नो आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय. इंशाल्लाह आई विल मीट यू टुमारो विद योर. वेट, वी हैवंट डिस्कस आवर डेट टुडे. यस्टरडे इज 2nd December एंड डे इज Wednesday. In the same way, you have to ready your homework page. You have to write H.W, then December 2nd, and then Wednesday. Then Wednesday. Now, I want to say you, do your classwork and also homework. And take care and bye-bye.